स्वागत है मेरे चैनल टूर डीके राज व्लॉग्स पे। तो आज हम आ चुके हैं जन्माष्टमी पे साकेत में। जेल चुंगी रोड है, कमिश्नरी चौराहे पे सीधा रास्ता जा रहा है जो कि गड़ी मेरठ से आ रहा है। जैसे ही हमें मालूम हुआ साकेत में काफ़ी अच्छा जन्माष्टमी पे मेला भरता है, तो हम यहाँ जा रहे हैं। तो आपको भी दिखाएंगे कितना अभी तक भरा है, लोग कितने आ रहे हैं। अभी जो ये पूरा रोड है यूनिवर्सिटी रोड है, जो कि सीधा कमिश्नरी चौराहे पे जाके मवाना रोड पे समाप्त हो जाता है। उससे ही 100 मीटर पहले ही आपको मंदिर मिलेगा। अभी ये जेल चुंगी चौराहा है, यहाँ पे चरखा रखा हुआ है जो पहले वीडियो में नहीं था, लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी जन्माष्टमी मेला भर रहा है जेल चुंगी चौराहे पे भी, चाहे तो आप यहाँ आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे पेट्रोल पंप के पास आके पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है, एक तरफ का एक तरफ ही जाने दे रहे हैं। अब यहाँ से मेला शुरू हो गया है। मिक्की माउस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ये मंदिर है, बहुत ही सुंदर सजा रखा है। पहले आपको पूरा मेला जल्दी जल्दी दिखाते हैं, फिर आराम से बाइक एक जगह खड़ी करके आपको आराम से दिखाएंगे। तो पहले एक रूट पे हम चल रहे हैं। यहाँ पे आइसक्रीम, सॉफ्टी या फास्ट फूड कुछ भी आप ले सकते हैं। सड़क के किनारे ये लगा हुआ है। यहाँ ज़्यादा गाड़ी बड़ी वाहन को तो बिल्कुल ही मना है। आज कोई भी वाहन अंदर एंट्री नहीं कर सकता। जो भी गाड़ियाँ हैं वो सिर्फ लोकल ही चल रही हैं। तो हम यहाँ से टर्न लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी मंदिर है। पहले एक मंदिर ये पड़ता है, इसके बाद आगे एक और मंदिर, यानी कि 3 से 4 मंदिर आपको ऑन रोड ही मिल जाएंगे। और एक कमिश्नरी चौराहे से 100 मीटर पहले ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप कितनी बार यहाँ आए हैं या मेरठ में कहीं भी आप जन्माष्टमी मना रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। तो आप यहाँ से खिलौने में सब कुछ लेके जा सकते हैं, यानी कि ये मान लीजिए काफ़ी तगड़ा मेला भरता है। अभी तो शहर वाले कहीं से आते हैं, गाँव से बिलोंग करते हैं, तो हम जल्दी से गांव जाना होता है, उस शहर में जो घूमना शुरू करते हैं रात के समय करते हैं। ये मेला इस समय अभी ज़्यादा नहीं है क्योंकि 8 का टाइम हो रहा है। जैसे 10-11 बजेंगे तो काफ़ी भीड़ हो जाएगी। और ये रहा दूसरा मंदिर। तो अभी मैं रुक गया हूँ। अब आपको मैं पूरा मेला दिखाता हूँ, कितना सुंदर दिख रहा है। पूरा मेला लग रहा है जन्माष्टमी पे। ये मंदिर है इधर, और ये दुकानें लग रही हैं। अभी शहरी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। तो मुझे जैसे ही मालूम लगा है के बारे में मैं वीडियो बनाने आ गया। यहाँ पे मार्केट में हर माल 60 रुपये। तो चलते हैं और आगे का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं, किस तरह से मेला भर रहा है। पब्लिक आ रही है धीरे धीरे। आपने अपना जन्माष्टमी किस जगह मनाया है, कमेंट में साथ ही लिख के ज़रूर बताना, क्योंकि मेरठ में काफ़ी जगह पे होता है। पीवीएस के पास होता है, सूरत कुंड के पास होता है, काफ़ी जगह जन्माष्टमी मेरठ में मनाया जाता है। मुझे इसका मालूम चला कि ज़्यादा फेमस है, तो मैं यहाँ आ गया। मेन रोड से हट के अंदर रास्ता जा रहा है, चाहे तो आप इससे अंदर आके भी दर्शन कर सकते हैं। इधर भी रास्ता दे रखा है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, रात होती जाएगी, वैसे वैसे और भी आनंद यहाँ आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे झांकियाँ लगा रखी हैं, मूर्ति एक से एक शानदार, मूर्ति एक से एक सुंदर भगवान की यहाँ पे सजा रखी है। और यहाँ पे काफ़ी फोर्स भी है आपकी सुरक्षा को लेके। और आपकी सिक्योरिटी में यहाँ पे फोर्स भी आई हुई है, तो काफ़ी अच्छा इंतजाम रहता है। मैं भी फर्स्ट टाइम आया। मुझे बीचों बीच भी काफ़ी सुंदर डेकोरेशन कर रखी है। डिवाइडर है जो बीच में होता है सड़क के। रोड के दोनों ओर ही दुकानें लगी हुई हैं खेल खिलौनों की। एक तरफ झूले भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए, बड़ों के तो नहीं हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पे फुल मज़े झूलों में कर सकते हैं। और आप भी कोई शॉपिंग करना चाहते हैं तो वे यहाँ कर सकते हैं। आपके लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये चले जन्माष्टमी की तैयारी। अभी पूरी रात प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि मुझे गांव जाना होता है, तो मैं जा रहा हूँ। आप आए थे, कितना एंजॉय किया था, कमेंट में साथियों जरूर बताना। आज का ब्लॉग यही था जन्माष्टमी को लेके। तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में कहीं और नई जगह के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना।